हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल दोस्तों प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन कम्पिटिटिव एग्जाम्स पीजीटी पीजीटी पी जी एलटी के वी एस एन से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ यह सीरीज नंबर थर्टी एट है दोस्तों यदि आप इन सभी कम्पटिटिव एग्जाम्स की सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े हुए हैं उन सभी वीडियोज को टॉपिक वाइज वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं एंड दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डेली बेसिस पे सीरीज चल रहा है इस सीरीज को देख करके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक आनंददायी रचनात्मक क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति करता है वह क्या कहलाता है कैंपिंग खेलना मनोरंजन क्रिया क्या कहलाता है आनंददायी रचनात्मक क्रिया करता है वह कैंपिंग होता है क्या होता है कैंपिंग होता है जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति करता है इसमें मनोरंजन हेतु खेल एवं विभिन्न गतिविधियां भी शामिल होती हैं। तो यहां पे कैंपिंग एवं मनोरंजन दोनों दे दिया है दोस्तों तो ज़्यादा यहाँ पे कैंपिंग होगा बट कैंपिंग नहीं दिया रहता तो मनोरंजन भी होता है यहाँ पे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को कहते हैं बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को कहते हैं प्रतियोगिता सहयोग संघर्ष विनिमय तो दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता सहयोग संघर्ष इसमें सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव विद्यमान होते हैं जबकि बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को विनिमय कहा जाता है एक्सचेंज कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संस्था हेतु आवश्यक सुविधाओं के प्रकार और मानक अनुपातिक होते हैं जरूरतों और उद्देश्यों के की संसाधन उत्पन्न करने की क्षमता की योजना की दृष्टि और विचार की समाज की सेवा करने की योग्यता दोस्तों यहाँ पे जरूरतों और उद्देश्यों ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जरूरत होगी हमारे उद्देश्य होंगे उस प्रकार से हम किसी संस्था के आवश्यक सुविधाओं को अपने अनुसार मैनेज करेंगे इसके लिए संस्था के पास पर्याप्त बजट भी होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर लॉरेंस विल्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा समाज का आधारी एकक है परिवार विद्यालय क्लब धार्मिक संगठन तो डॉक्टर लॉरेंस विंसन के अनुसार समाज का आधारी एकक परिवार है किसी समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच आकर्षण एवं संबंधों को चित्रात्मक रूप से अभिव्यक्त करने का साधन सोशियोग्राम कहलाता है यहाँ यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक विशेषता की सामाजिक दौर की सामाजिक तौर पर लोगों के बातचीत लोगों के बीच बातचीत की सामाजिक सूझबूझ तो समाजीकरण की मनुष्य की समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण कारक है यहां पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत महत्वपूर्ण है सामाजिकरण के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि से कौन सा उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें दूसरों की उपस्थिति में प्रदर्शन बेहतर हो जाता है तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा सामाजिक सरलीकरण जिसमें दूसरों की उपस्थिति में प्रदर्शन बेहतर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ऐसी प्रणाली प्रेडा, है जो कि सामाजिक तथा तो नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है जो कि बच्चों को बच्चे को उसके अभिभावकों एवं दूसरों के द्वारा सिखाई जाती है तो यहाँ पे लिबिडो ईगो सुपर ईगो दोस्तों यहाँ पे नैतिक मूल्यों की जहां भी बात आएगा वहां सुपर ईगो यानी कि सबकॉन्सियस माइंड होगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर ईगो जबकि दोस्तों फ्रायड ने तीन सिद्धांत दिए हैं इड ईगो सुपर ईगो उसमें से सुपर ईगो के बारे में तो आप जान लिए कि यह सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है जो कि बच्चों को उसके अभिभावकों या दूसरे के द्वारा सिखाई जाती है जबकि ईड क्या होती है जो कॉन्सेंस माइंड होती है वो हमारे इच्छा हमारी आवशक्ता आदि को पूरा करता है एक होता है ईगो जो हमारे अहम मैं आदि को परिभाषित करता है तो इन ईगो एवं सुपर ईगो को सेगमेंट फ्रायड ने परिभाषित किया है ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः शिशु के समाधिकरण की, की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है इसका करेक्ट आंसर है घर यानी परिवार से ही हमारे बच्चों की या शिशु की समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है दोस्तों समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई शिशु एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है समाजीकरण व्यक्तियों को विभिन्न परिस्थितियों में स्वीकृत आचरण का ज्ञान देता है जिससे हम समाज के तमाम गतिविधियों में समाज के अन्य सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं व्यक्ति जीवन जीवन भर कुछ न कुछ जीवन भर कुछ कुछ सीखता है, अतः चलने वाली प्रक्रिया है यह प्रक्रिया परिवार यानी घर से प्रारंभ होती है जहाँ शिशु अपने माता पिता भाई बहन तथा तो अन्य सगे संबंधियों द्वारा सीखता है यही कारण है कि परिवार को मानव जीवन का प्रथम पाठशाला कहा जाता है परिवार के अतिरिक्त मित्रों का समूह पड़ोस शिक्षा तथा राज्य की सामाजिक में भूमिका निभाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटा बच्चा इसकी कमी से साइकिल नहीं चला पाता है यहां पे ध्यान से उत्तर दीजिएगा दोस्तों एक छोटा बच्चा किसकी कमी से साइकिल नहीं चला पाता है परिपक्वता अपरिपक्वता कम प्रोटीन कम ओसा किसके कारण नहीं चला पाता है क्योंकि वह छोटा बच्चा उस समय परिपक्व नहीं हुआ रहता है तो उसमें किसकी कमी होती है परिपक्वता की ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा परिपक्वता की कमी के कारण छोटा बच्चा साइकिल नहीं चला पाता है दोस्तों एक छोटा बच्चा परिपक्वता में कमी अर्थात अपरिपक्वता के कारण साइकिल नहीं चला पाता है छोटे बच्चों में पेशी या परिपक्वता की कमी होती है और यह कमी उम्र में वृद्धि के साथ ही दूर हो जाती हो पाती है अतः बच्चा जब एक निर्धारित आयु तक पहुंच जाता है तो वह साइकिल चलाने की स्वतः ही कोशिश करने लगता है और थोड़े से अभ्यास के बाद वह साइकिल चलाने लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का अर्थ है क्या है इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप लोग एकदम प्रैक्टिस में आ गया है सारी शिक्षा का अर्थ क्या है उद्देश्य क्या है ऑप्शन है मानव जाति का समग्र विकास शारीरिक प्रशिक्षण शारीरिक कार्य निष्पादन शारीरिक स्वच्छता तो आप सभी ने सही आंसर टिक कर लिए होंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है मानव जाति का समग्र विकास ही सारी शिक्षा का अर्थ उद्देश्य है अर्थात सारी शिक्षा मनुष्य के मानसिक शारीरिक सामाजिक विकास द्वारा अधिकतम विकास का मार्ग प्रशस्त करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शारीरिक शिक्षा तथा खेल के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं की योजना बना रहे हूं तो शिक्षक को प्राथमिक तौर पर करना चाहिए जब आप सारे शिक्षा और खेल के लिए कोई उच्च स्तरीय सुविधा या सुविधा का योजना बना रहे हैं तो उस समय पर आपको या आप शिक्षक हैं तो प्राथमिकता पर आपको क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए उस क्षेत्र में जो ज्ञाता होगा अच्छे से टेक्निकली रूप से उसको उसका हम परामर्श लेंगे क्या तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अभियंता प्रशासनिक आर्किटेक्ट्स और तक विशेषज्ञ की सहायता लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को कहा जाता है तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक सम्मान देना दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को कहा जाता है सामाजिक सम्मान देना दूसरों की उपस्थिति का प्रदर्शन व प्रेरणा स्तर पर बहुत प्रभाव पड़ता है एथलीटों को सामाजिक ध्यान देकर तथा सामाजिक व्यवस्था में प्रतिस्पर्धाएं करवाकर हम प्रेरणात्मक स्तर को बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मान मानदंडों को अपनाने के लिए अपने व्यवहार अथवा अभिवृत्ति में बदलाव लाता है तो उसको क्या कहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए यदि अपने व्यवहार अथवा अभिवृत्ति में बदलाव लाता है तो उसे हम अनुरूपता कहते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर वहीं पे कहा जाता है कि जब दूसरे व्यक्ति की आज्ञा पालन को कोई व्यक्ति तुरंत तैयार हो जाता है तो उसे अनुपालन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है से कौन सा धन आधारित इनाम है जैसे नकद बोनस और इनाम का कोई भी अन्य प्रकार जो एक कर्मचारी का मुआवजा बढ़ाता है और वह तब दिया जाता है जब एक कर्मचारी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है या उससे अधिक देता है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मौद्रिक प्रोत्साहन नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता किस कारण होती है तो दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता किस कारण होती है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भौगोलिक बाधाओं के कारण क्योंकि दोस्तों याद आप ठंडे मौसम में रहते हैं ठंडे स्थान पर रहते हैं वहां आपकी सामाजिक सांस्कृतिक दूसरा होगा गर्म मौसम में रहते हैं गर्म स्थान पर वहां आपका अलग होगा पहाड़ी क्षेत्र हो में रहते हैं अलग होगा मैदानी क्षेत्र में रहते हैं अलग होगा टूडा प्रदेश में रहते हैं अलग होगा प्रदेश में रहते हैं अलग होगा तो यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक विविधता या भिन्नता भौगोलिक बाधाओं के कारण होती है संस्कृति किसी समूह यानी व्यक्तियों का या समूह या समाज के जीने के तरीके आचार व्यवहार खान पान पोषक को तथा उसमें स्थानीयता के प्रभाव को समाविष्ट करती है इसलिए भौगोलिक बाधाओं के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता अलग अलग होती है है सांस्कृतिक मान्यताएं मूल्यों और मनोवृत्ति का एक सेट जो या तो यथापूर्व स्थिति या उसे बदलने की गतिविधि का कारण है और उसे उचित सिद्ध करता है वह किसके रूप में जाना जाता है तो वह विचारधारा के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है शिक्षा प्यार एवं स्नेह बड़ों का आदर खेल तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी खेल सांस्कृतिक धरोहर है क्योंकि मानव का उद्भव लाखों वर्षों पूर्व हुआ मानव की जन्म जात प्रवृत्ति चलना दौड़ना खेलना शिकार करना आदि थी मानव की ये प्रारंभिक शारीरिक क्रियाएं ही धीरे धीरे वास्तव में खेल एवं खेल कूद का आधार बन गई हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक शारीरिक क्रियाओं का परिमार्जित रूप अर्थात खेल मानव की सांस्कृतिक धरोहर है नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां खेलों में सामाजिक मूल्यों के मापन का आधार प्रतियोगिता में सफलता पाना माना जाता है वहां पर खिलाड़ी अधिक महत्व देते हैं तो यहाँ पे जहां पे खेलों में सामाजिक मूल्यों या मापन का आधार प्रतियोगिता में सफलता पाना हो जाता है पर खिलाड़ी किसको अधिक महत्व देते, है? देते हैं उपलब्धि की आवश्यकता को ज्यादा महत्व देते हैं ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा में व्यवसायिक नैतिकता किसको शामिल करती है नैतिक मूल्य को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मोरल वैल्यू को नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंपिंग में कैंपिंग के क्या उद्देश्य हैं व्यवहारिक कौशल सिखाना सकारात्मक सोच विकसित करना व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना ऊपर लिखित सभी तो दोस्तों ये सभी व्यवहारिक कौशलता सिखाना सकारात्मक सोच विकसित करना व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना ये सभी कैंपिंग के उद्देश्य होते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर ये सभी कैंपिंग के माध्यम से छात्रों में व्यवहारिक गुरु बहुतायत विकसित होती है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंप के दौरान गाया जाने वाला जो गीत होता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यानी कैंप के दौरान गाया जाने वाला सारे जहां से अच्छा गीत लिखा किसने लिखा था दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम होगा बचपन से कि वंदे मातरम किसने लिखा राष्ट्रगान किसने लिखा राष्ट्रगीत किसने लिखा और सारे जहां से अच्छा किसने लिखा तो यह मोहम्मद इकबाल ने लिखा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों मोहम्मद इकबाल जो है अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि नेता और दार्शनिक थे उस समय आजादी के समय सारे से अच्छा देशभक्ति के गीत के रूप में भारत में गाया जाता है इसे अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। इसे प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1905 में लिखा था पाकिस्तान में इन्हें राष्ट्र कवि माना जाता है मोहम्मद इकबाल को नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किस चीज को ध्यान में रखेंगे क्या ध्यान में रखेंगे जगह शहर के बीच हो या जग, ऐसी जगह जहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हो या जगह प्राकृतिक तथा शहर से दूर हो या इनमें से कोई भी नहीं तो दोस्तों जगह शहर के बीच हो तो कैप लगाने से क्या फायदा गलत होगा ऐसी जगह जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हो ऐसा तो कहीं जगह ही नहीं है तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आंसर तो होगा वह प्राकृतिक तथा तो शहर से दूर होना चाहिए दोस्तों शिविर आयोजन का स्थल सघन बस्ती से दूर होना चाहिए जिससे कि शिविर में भाग लेने वाले को उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को पर्याप्त प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके आयोजन स्थल में प्रकृति के अध्ययन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए इसमें हस्तशिल्प तैराकी तथा तो यदि संभव हो तो नौकायन की सुविधा भी उपलब्ध हो सके शिविर आयोजन स्थल में धूप तथा वर्षा से बचने के लिए ढका हुआ स्थल भी होना चाहिए यानी पूर्ण से वो प्राकृतिक अनुभव करते हैं वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव प्राप्त होता है किसमें होता है दोस्तों शिविर में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिविर के लिए भारत में कब अच्छा समय है तो बसंत ऋतु सबसे अच्छा समय है दोस्तों शिविर शब्द कोशी अर्थ है कि ऐसा स्थान शिविर का शब्द कोशी अर्थ है कि ऐसा स्थान जहां लोग छात्र सेना की टुकड़ियां आदि एक निर्धारित समय के लिए तंबुओं और झुपड़ियों में रह सके नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु हमें चाहिए क्या चाहिए आयोजक चाहिए भोजन व्यवस्था प्रबंधक चाहिए उचित समय चाहिए उपयुक्त सभी आसन नंबर डी उपयुक्त सभी किसी भी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु सर्वप्रथम हमें एक आयोजक की आवश्यकता होती है जो शिविर के आयोजन संबंधी समस्त गतिविधियों की रूपरेखा बना सके इसके उपरांत शिविर में भोजन व्यवस्था प्रबंधन का भी होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शिविर में भोजन व्यवस्था तंदुरुस्त व्यवस्था दुरुस्त करना भोजन प्रबंधन का कार्य होता है अंत में शिविर के आयोजक हेतु तो उचित समय का होना भी आवश्यक है नेक्स्ट क्वेश्चन है। घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को कहते हैं क्या कहते हैं शिविर कहते हैं शिविर का शब्द कोशीय अर्थ यह है कि एक ऐसा स्थान जहां लोग छात्र सेना की टुकड़ियां घर से बाहर एक निर्धारित समय तक तंबुओं और झोपड़ियों में रहें शिविर का अर्थ यह भी लगाया जाता है कि एक समूह द्वारा घरों से संस्थानों से अथवा छात्रावासाओं से छात्रावासों से बाहर के वातावरण की जानकारी प्राप्त करना या किसी विशेष कार्य के लिए एक साथ मिलकर तंबुओं झुपड़ियों में रहना यह भी इसका एक अर्थ लगाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है शिविर की अवधि है एक दिवसीय शिविर साप्ताहिक शिविर मासिक शिविर उपयुक्त सभी तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा कोई तो एक दिवसीय भी हो सकता है साप्ताहिक भी हो सकता है मासिक भी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है चीजों को करना बनाना प्राप्त करना और सीखना शामिल है किसमें शामिल है खेल मनोरंजन नेतृत्व शिविर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शिविर चीजों को करना बनाना प्राप्त करना सीखना शिविर में शामिल है खेलों को खेलना वस्तुओं को बनाने का अभ्यास करना ज्ञान प्राप्त करना तथा नेतृत्व क्षमता को विकसित करना सभी एक शिविर के माध्यम से संभव है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंप फायर समिति होती है किसमें होती है कैंप फायर समिति शिविर में होती है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आई होप कि दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी थे आज के एंड दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए दोस्तों जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिससे आपके लिए मैं डेली बेसिस पे वीडियोज बना सकूं एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी मैं नेक्स्ट टाइम नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद